हेलो एवरीवन, आईपीएल के अगले लेसन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम सब यहाँ पर यूपीएससी सीएससी 2022 की एक क्रैश कोर्स को लेकर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यह कोर्स 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। एंड हियर वी आर गोइंग टू कंपाइल ऑल द पार्ट, इवन ऑल द सब्जेक्ट्स दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022, जिसमें हम करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पॉलिटी साइंस एंड इकोनॉमी, आईआर और सीसैट, इस सब को लेकर हम लोग आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम साइंस एंड टेक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और साइंस एंड टेक का यह हमारा लेसन नंबर 13 है। इसके पहले आपने आईपीएल ने मेरे 12 लेसन जो हैं वो सुन चुके हैं, और ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो है, जो मैं आपके साथ यहाँ आईपीएल पर लेके आ रहा हूँ, दिस इज इंटायरली फॉर द साइंस एंड टेक ऑनली क्लासेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस आप पेपर के लिए अच्छा खासा है। एज आई टोल्ड यू गाइस, अराउंड 15 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी साइंस एंड टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टैटिक और करंट दोनों के साथ जोड़ कर आते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई हैव अ इंस्टीट्यूशन वेयर आई एम डायरेक्टर हियर एज अ पूर्वांचल IAS गोरखपुर, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ। आई एम टेकिंग योर क्लासेज फॉर साइंस टेक एंड एनवायरमेंट, जैसी क्लासेज आप प्लस पे मेरे साथ सुन सकते हैं। फ्रॉम 19 ईयर्स आई एम दिस UPSC टीचिंग, और हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी दो किताबें आती हैं, एक साइंस टेक और एनवायरमेंट पब्लिश होती हैं, जो मैकग्रा हिल पब्लिकेशन से आती हैं। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको मेरे PDF मिल जाएंगे, वो t.me/RaviUPSC_Anacademy है। यहाँ आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर द इंटायर PDF। और PDF के साथ साथ दोस्त, अगर आपको मेरे वीडियोस के लिंक चाहिए होते हैं एंड यू आर गेटिंग डिफिकल्ट टू एक्सेस ऑल द लेसन से वीडियोस, तो आप यहां से मेरे वीडियोस ले सकते हैं। और Anacademy पे मेरा जो प्रोफाइल है वो anacademy.com/RaviPekhari2010 पर है, जहां पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, और प्लस के साथ आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। प्लस की क्लासेज जो होती हैं वो पेड होती हैं, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो होते हैं। स्पेशल क्लासेज होती हैं, दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपसे जितने भी बच्चे हैं, आप स्पेशल क्लासेस मेरे साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे Anacademy के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें। मेरा जो कोड है वो RaviUPSC है, और जब भी आप कोई को भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप RaviUPSC कोड को यूज़ करते हैं, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेस्ट एजुकेटर इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही जगह पर मिलते हैं, और इन सारी फैकल्टीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, जिन्होंने अच्छा टाइम UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में दिया है, पिछले कई सालों से सिविल सेवा की परीक्षा में पढ़ाते रहे हैं। आपको यहाँ पे भी मेरी क्लासेस, अगर आप प्लस पे जाते हैं, तो मेरी क्लास आपको साइंस टेक एनवायरमेंट दोनों ही मिल जाती है। और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं जो इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। सो Anacademy सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप है, जो कि 27 मार्च को है। इसे मिस मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप और प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली यू विल गेट एन्जॉय ऑल्सो, इवन अपनी प्रिपरेशंस को देख लेंगे। तो काइंडली इनरोल हियर नाउ। अब आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 13, जिसके लिए आप सब मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए, लेसन नंबर 13 पर चलने के पहले आप सब जानते हैं, इंट्रोड्यूस ऑल द 11 चैप्टर्स, जहाँ पे पूरे के पूरे साइंस से क्वेश्चन आते हैं। टेक्नोलॉजी अगर आपको पढ़नी है, तो आप सिर्फ इसी 11 चैप्टर्स के साथ जुड़े रहिए। सो फास्टली आई रीड आउट ऑल द चैप्टर्स, और फिर आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, AI, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज और मिसलेनियस। तो ये मिलाकर टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ने होते हैं आपको टेक्नोलॉजी में। और अराउंड 90% ऑफ क्वेश्चन जो साइंस से होते हैं, वो इन्हीं 11 चैप्टर से होते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और आज का पूरा लेसन जो है वो रोबोटिक्स पर डेडिकेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। एक्चुअली रोबोटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, और उस ग्रीक वर्ड का नाम है रोबोटो। ध्यान रखिएगा, रोबोटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, एक ग्रीक शब्दावली है वहाँ से आया है, और उस ग्रीक शब्दावली का नाम है रोबोटो। रोबोटो का मतलब होता है सेल्फ लेबर। सो रोबोटो का मतलब क्या होता है? रोबोटो का मतलब होता है सेल्फ लेबर, यानी स्वतः कार्य करने वाला। आपको बताऊं तो रोबोटिक्स है क्या? एक तरह का AI है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल टर्म यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है और इंटेलिजेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है।
आर्टिफिशियल मतलब कोई मशीन ले लो, अगर मैं बोलूँ कोई मशीन है, सबको पता है मशीन भगवान पैदा नहीं करता, मशीन इंसान बनाता है। और इंटेलिजेंस टर्म कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़ता है, यानी अगर मैं एक ऐसी मशीन बना दूँ जो बिल्कुल वैसा ही काम करता हो जैसा कि ह्यूमन ब्रेन करता हो, तो वो एक AI है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक ऐसा मशीन जिसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। और किस रेफरेंस में काम करता है, तो तीन टर्म्स यहाँ पर आते हैं जो मैं अपनी क्लास में 12 बच्चों को कहता हूँ। एक तो परफॉर्मेंस, याद रखिएगा, एक तो परफॉर्मेंस के केस में, दूसरा एक्यूरेसी के केस में, और तीसरा जो है जिसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी के केस में, थर्ड वन इज़ रिलायबिलिटी। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पर बेस होकर पूरा का पूरा क्या है, जिससे बेस होकर पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करता है। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक मशीन को प्रोग्राम किया जाता है एकदम ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने को अपने परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी के अनुसार। उसी AI का एक एग्जांपल होता है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ AI, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और रोबोटिक्स जो आया है वो एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका नाम है रोबोटो, और रोबोटो का मतलब होता है सेल्फ लेवर, यानी स्वतः कार्य करने वाला। अब ये स्वतः कार्य कैसे करेगा, क्योंकि आपने उसकी एक प्रोग्रामिंग की है, और जिस हिसाब से आपने प्रोग्रामिंग की है उस तरीके से वह स्वतः कार्य करेगा। ये है पूरी कहानी रोबोटिक्स की शुरुआत में। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, ह्यूमन के साथ कंपैरिजन करें, तो रोबोटिक्स अपनी कार्य के हिसाब से दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक रोबोट, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक रोबोट, एक जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक रोबोट, और दूसरा जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट। डोमेस्टिक रोबोट क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ये तीन शब्द मैंने पकड़ लिए हैं। डोमेस्टिक रोबोट जो होते हैं वो परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में ह्यूमन से बेटर नहीं होते हैं, यानी दे आर इन्फीरियर देन ह्यूमन बींग। अब जैसे घर की सफाई करने वाला जो रोबोट होता है ना, इस तरह के जो रोबोट होते हैं वह ह्यूमन से परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं, सो दे आर द डोमेस्टिक। इंडस्ट्रियल वो होता है जो ह्यूमन से सुपीरियर होता है। तो ऐसा रोबोट जो ह्यूमन से परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में तुम्हें सुपीरियर मिले दोस्त, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर इतनी सारी मशीनें लगी, हज़ारों हज़ारों कार आपकी तैयार होती है, वो एक इंडस्ट्रियल रोबोट्स का एग्जाम्पल है। सो आई होप यू पीपल विल रिमेंबर गाइस अबाउट द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रोबोट। रोबोट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन करने के लिए, जैसे रोबोटिक्स क्या है, उसका इतिहास क्या है, रोबोट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रोबोट्स के कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस कर सकते हैं, रोबोट्स के कहाँ कहाँ पर चैलेंजेस हैं, और रोबोट्स के कौन कौन से एडवांसमेंट हैं जहाँ जहाँ पर हम रोबोट्स के कार्यों को देख सकते हैं। आइए बात कर रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में। हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया व्हाट एक्चुअली द रोबोटिक्स इज, आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स के इतिहास पर। पता है पहला जो रोबोट है जो बना, जो आया, वो 1928 में आया, और उसका नाम था गाकुटेंसुरू। गाकुटेंसुरू एक जापानीज रोबोट है जिसको हम पहला रोबोट्स मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये गाकुटेंसुरू डिजिटल रोबोट नहीं था, ऑटोमेटिक रोबोट नहीं था, ये मैनुअल रोबोट था। पहला जो डिजिटल रोबोट बनता है 1954 में बनता है। तो 1954 में दुनिया का पहला डिजिटल रोबोट बनाया जाता है जिसका नाम है यूनिमेट, और इसको बनाने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था जार्सी डिवोल। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मकार्थी, और उनके साथ एक और बंदे का नाम आता था मिंस्की। पता है ये दोनों साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ AI के नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या है, वो एक मशीन है ना, जिसको हम प्रोग्राम करते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरह। और रोबोट्स क्या है, इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ AI। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, AI तरह की चीज़ें जो है, जो टर्म है, वो मकार्थी और मिंस्की का दिया हुआ, ये नाम याद रखेगा, इसे स्ट्रीट पीसेस वगैरह में भी आ ही जाते हैं, ठीक है। और रोबोट्स जो है वो AI का एग्जाम्पल है। ओके, कूका एक जर्मन को मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है जिसने फ्यूमलस नामक एक रोबोट बनाया है जिसमें 6 degree of freedom पाया जाता है। अब 6 degree of freedom क्या कहता है, ये एक रोबोट का एक्शन कहलाता है। 6 degree of freedom रोबोट का एक्शन कहलाता है, और ये एक्स्ट्रा एक्शन होता है रोबोट का जहाँ पर रोबोट्स 360 डिग्री पर काम कर सकता है, मतलब अपनी बॉडी को 360 डिग्री तक क्वाइल या रोटेट करके अपने एक्शंस ले सकता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला जो एक रोबोट है, जैसे ईयर 2000 में बना, जिसका नाम था एसिमो। एसिमो एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई ह्यूमन अपना जैकेट पहन रखा है। कौन सा जैकेट, जैसे एस्ट्रोनॉट्स एक जैकेट पहनते हैं, एग्जैक्टली एसिमो दिखने में वैसा ही लगता है। एसिमो जिसका पूरा नाम है एडवांस स्टेबल इनोवेटिव मोबिलिटी, इस एसिमो को जिसने बनाया है उसका नाम है होंडा मोटर कंपनी। एसिमो को बनाने वाला कौन है, होंडा मोटर कंपनी। अगर आप कभी यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे होंडा मोटर कंपनी, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको ऐसा दिखेगा, होंडा मोटर कंपनी के अंदर के जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, वहां आपको मिल जाएगा कि एसिमो आपको क्या कर रहा है, पानी पिला रहा है, एसिमो आपको आपका वेलकम कर रहा है, एसिमो आपको कॉफ़ी चाय दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड। तो एसिमो उसी तरह का हो जाता है जो कि बड़ा पॉपुलर है। इवन पहले ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बात करें तो वैबोट 1 को बोला जाता है
है ना, वेबर्ट 1 को माना जाता है जो पहला ऑफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट है, लेकिन पॉपुलर रोबोट में एसिमो का नाम ज़्यादा आता है जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो एसिमो रोबोट को किसने बनाया? होंडा मोटर कंपनी ऑफ जापान ने बनाया। ओके, जापान की होंडा मोटर कंपनी, और ये ऐसा लगता है जैसे किसी एस्ट्रोनॉट से जैकेट पहन रखा है, ये ध्यान रखिए। और पता है एसिमो वॉक भी करता है, करीब 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल भी सकता है। सो इट कैन वॉक एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको रोबोट्स की हिस्ट्री बताई है, जो मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि रोबोट्स के बाद हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। अब अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में और करें, अगर भारत में हम रोबोट्स की बात करें, तो भारत में रोबोट्स के डेवलपमेंट के लिए NISTP लाया गया है। NISTP क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2030 रिपोर्ट्स। क्या है NISTP? NISTP के अंदर भारत सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ नीतियाँ बनाई हैं, और अलग अलग ईयर को डेडिकेट किया है अलग अलग सेक्टर्स में रोबोट्स को लेकर काम करने के लिए। जैसे 2013-14 को हम एग्रीकल्चरल रोबोट कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर में रोबोट्स के काम को और ज़्यादा इनपुट डालने के लिए, उसमें और ज़्यादा बेटर रोबोट्स बनाने के लिए, जिससे एग्रीकल्चर में रोबोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन उपयोग किया जा सके। 2013-17 को अगर हम बात करें, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादाजी जैसे लोग, उनकी सेवा करने के लिए रोबोट्स बनाने की बात होती है। 2013-20 की बात करें NISTP, उसको बोलते हैं हम नैनो रोबोट्स बनाएंगे, जिसको हम शॉर्ट में नैनो बोट्स भी कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में नैनो बोट्स भी कहते हैं। वही 2017 में बात होती है कि हम मेडिकल रोबोट्स का निर्माण करेंगे। 2017-19 की बात करें, उसको हाउस होल्ड रोबोट्स कहते हैं, जहाँ पर हाउस होल्ड रोबोट्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, 2035 में बात करें, तो यहाँ बोला जा रहा है कि हम अपने बैटल फील्ड में एक रोबोटिक सोल्जर को रखेंगे। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना, एक रोबोटिक सोल्जर हमारे लिए लड़ेगा, तो कम से कम हमारे जो घर परिवार के जो सैनिक हैं, जिनका परिवार होता है, वो शहीद नहीं होंगे। तो आगे रोबोट लड़ेगा, और रोबोट के बाद फिर हमारे सैनिक होंगे जो पीछे साइड में होंगे। क्या इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है कमिंग फ्यूचर में, कुछ ऐसा ही जैसे कि एक मैट्रिक्स मूवी आप देखते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखा होगा तो और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि रोबोट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहले आपको एक बात मैं बता दूँ। देखो, आपको मैं बताऊँ तो डिफरेंट तरह के रोबोट्स पाए जाते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स। पहले तो ये देख लो, रोबोट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स। किस बेसिस पर डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं? उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। रोबोट्स परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जिस तरह के रोबोट्स होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उनके अंदर क्या होगा, उसी तरह डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। तो एक यूनिवर्सल कंपोनेंट कभी भी है ना, एक यूनिवर्सल कंपोनेंट कभी भी एक मतलब नहीं हो सकता है डिफरेंट। अब एक बात बताओ, जो गाड़ी की कसाई करते हैं है ना, जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनके रोबोट से कंपोनेंट अलग होंगे। जो डब्बा बंद करने वाले रोबोट होते हैं, पेप्सी कोला की बोतल पैक करते हैं, उनका कंपोनेंट अलग होगा। तो आप एक यूनिफॉर्म जो होता है वो कंपोनेंट कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स बता रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं आपको ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बता रहा हूँ, जो मनुष्य की तरह का रोबोट होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब मान लो मैं एक एसिमो हूँ, और आप मेरे कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो मेरा जो हैंड है ना, जो मेरा हैंड है, ये कहलाता है एंड इफेक्टर, जो स्क्रीन पे देखते हैं। मेरी जो आर्म है ना, ये वाला हिस्सा, ये मेरा कहलाता है मैनिपुलेटर। ये मेरे फिंगर्स है ना, ये मेरे कहलाते हैं ग्रिपर्स। और जो मेरे जॉइंट्स वगैरह, जॉइंट और मसल्स हैं, इनको कहते हैं एक्चुएटर्स। ये आपको नाम रटने पड़ेंगे सब, पता है ये किसी ज़माने में UPSC के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना। अब UPSC मेंस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कि जैसे कंपोनेंट्स ऑफ रिपोर्ट्स में कौन कौन से होते हैं, तो यू मस्ट हैव टू राइट देयर कि दुनिया में डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उनमें से ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ये हैं जो गिवन बिलो है, है ना, ह्यूमनॉइड्स के ये हैं जो गिवन बिलो, फिर उसके बारे में ह्यूमनॉइड का लिख दीजिए। क्योंकि ह्यूमनॉइड का तो फिर भी स्टिल एवरीबॉडी नो अवेलेबल ना, इट इज़ वेरी कॉमन कि उसका हाथ होगा, उसका फिंगर होगा, उसका ग्रिपर होगा, उसका जॉइंट होगा। तो आप इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोबोट्स में कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं, और रोबोट्स के कुछ और जो कंपोनेंट होते हैं वो उसकी प्लानिंग का काम करते हैं, उसके कंट्रोल का काम करते हैं, उसके सेंसिंग का काम करते हैं। तो रोबोट्स में प्लानिंग, कंट्रोल और सेंसिंग के लिए भी क्या होता है, रोबोट्स जो होते हैं वो भी होते हैं, उनमें अभी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। रोबोट्स में कौन कौन से सेंसर्स होते हैं? जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जैसे एक्सोसेप्टिव सेंसर होता है, जैसे प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसर होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या बताता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स कितनी दूरी पर है। सोचो, ये इस तरह के सेंसर्स, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो साइकोलॉजी में भी इस तरह के नाम आपको पढ़ाए जाते हैं। साइकोलॉजी का जो टीचर होता है, अगर यू हैव अ साइकोलॉजी ऑप्शन, तो आपको वो ब्रेन के बारे में पढ़ाता है, आपको वो सेंसर्स के बारे में बताता है, आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा समझाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसी तरह के सेंसर्स जो हम लोग की बॉडी में होते हैं, उन्हीं तरह के सेंसर्स का यूज़ हम लोग रोबोट्स में भी करते हैं एज ए कंपोनेंट की तरह।
तो ये ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर और ऑब्जेक्ट, जो इन्वायरमेंट में पड़ा है उसकी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर कितनी दूरी पे है उसके बारे में बताता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। एक्सट्रोसेप्टिव सेंसर जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बताता है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है वो कैसा है, जिसके बेसिस पर रोबोट्स अपने आप को अपने अपने अगल बगल के लोगों से जुड़ सकता है इन्वायरमेंट से। प्रोप्रियोसेप्टिव बताता है कि एक्चुअल में जो पोजीशन, ओरिएंटेशन, स्पीड है ह्यूमनॉइड रोबोट का वो क्या है, किस हिसाब से ह्यूमनॉइड रोबोट जो है उस एरिया में अपने काम को कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे सेंसर्स के बेसिस पर रोबोट अपने परफॉर्मेंस देता है। तो प्रॉक्सिमिटी हो गई, दूरी कितना है रोबोट्स को चेक करने के लिए। एक्सोसेप्टिव होता है अगल बगल का वातावरण कैसा है। प्रोप्रियोसेप्टिव कैसा है कि आगे आगे अगल बगल के लोगों का एक्शन क्या हो रहा है, वो क्या रिस्पांस दे रहे हैं। अब उन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस सेंसर्स अब रोबोट को ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया, रोबोट उसके हिसाब से देखकर अपना एक्शन लेता है। अब हम आते हैं रोबोट्स के एप्लीकेशन की बात। अगर हम रोबोट के एप्लीकेशन की बात करें दोस्त, तो रोबोट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम पहले डिफेंस में बात करें, तो डिफेंस में अगर आप रोबोट्स की बात करें तो आपको दिखता है कि ह्यूमन सोल्जर्स जहाँ पे खतरे वाली जगहों पर होता है, अगर हम एक मशीन या रोबोट भेज दें तो ह्यूमन को हम काफ़ी हद तक डेंजरस मिशन से हम उसको हटा सकते हैं, तो ह्यूमन की लाइफ या कैजुअलिटी होने के चांसेस नहीं है। एक एप्लीकेशन आपको ये मिला, पता है जब अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वार किया था किसी ज़माने में, उस समय हर जगह पर, चाहे एरियल हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे वाटर हो, कहीं भी, लैंड, सी, वाटर, एयर, एवरीवेयर उन्होंने बहुत सारे रोबोट्स का यूज़ किया था और अपने सैनिकों की जान बचाई थी। एक कंपनी है जिसका नाम है बोस्टन डायनेमिक। बोस्टन डायनेमिक ने एक रोबोट बनाया है जो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है बड़ा सा कुत्ता की तरह, बिग डॉग, और उस रोबोट का नाम भी बिग डॉग ही रखा है। पता है ये कमाल का रोबोट है, ऐसा रोबोट है जो जो सोल्जर्स को जो होता है हैवी सामान को ले जाने में मदद कराता है, या कैसी कैसी जगह पे जो थोड़ा रिस्क प्रोन एरिया होता है, जैसे मान लो आइस वाइस की जगह पे, जैसे मान लो बहुत घना जंगल वंगल है, स्टीप है, नैरो फिट होल, पतली पत्ते रास्ते हैं, होता क्या है कभी कभी आप सुनते होंगे कि कभी जो गोला बारूद लेकर हमारे सोल्जर्स जाते हैं ना, गिर पड़ते हैं, फट जाते हैं, जान चली जाती है। कोई बात नहीं, ये रोबोट है ना, ये कैरी करेगा इन चीज़ों को। तो दोस्त, कैजुअलिटी हैपन विथ आवर इंडियन सोल्जर्स, जो भी होता है सोल्जर्स के साथ, हम उनकी जान बचा सकते हैं। उसी तरह भारत ने एक रोबोट है जिसका नाम है डारपा। डारपा एक ऐसा रोबोट है जिसमें छह पैर होते हैं, 6-लेट रोबोट होता है, और ये हर तरह के क्षेत्र में, हर जगह के एरिया में, टेरेन में और हर वेदर में ये काम कर सकता है, और जहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन वहाँ से भेज सकता है, यानी कहीं ना कहीं चोरी छुपे वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी उरी, अगर आपने मूवी देखी हुई उरी तो आप उसमें जानते हैं, सर हाँ सर, एक सर्वेलेंस के लिए वहाँ पर गरुड़ का यूज़ किया गया था। और गरुड़ भी एक तरह का क्या था, एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, जिसका यूज़ सर्वेलेंस के लिए किया गया, वो भी एक तरह का रोबोट हो सकता है। जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप कहते हैं रिमोटली पायलटेड व्हीकल, जिसको आप कहते हैं पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट, ये बहुत सारे नाम होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह के रोबोट्स ही होते हैं। ओके, और आपको मैंने बोला कि रोबोट के अगर बॉडी पार्ट्स ले लीजिएगा तो कोई जो सोल्जर होगा वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बन जाएगा, जैसे कुछ इंग्लिश मूवीज में जैसे आयरन मैन आप देख सकते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, अब ऐसा है, कोई रिमोट कंट्रोल रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि एक्सप्लोसिव डिस्पोजल रोबोट्स होते हैं, कहीं भी मान लो कोई बम है या किसी तरह का है, उसको डिस्पोज करने के लिए होता है, जिसमें एक मैं आपको बताऊं, टैलन करके एक रोबोट है, इसको उस जगह पर यूज़ किया जा सकता है जिससे एक्सप्लोसिव डिस्पोज कर, जब मान लो कहीं कोई माइंस वगैरह है ना, तो माइंस वगैरह के पास देखो सोल्जर्स नहीं जाएंगे, वो रोबोट जाएगा, उस माइन को डिफ्यूज़ कर देगा, और उसका नाम है रोबोट का टैलन। इससे क्या होगा, हमारे जो सोल्जर्स होंगे इन खतरे वाली जगहों से उनकी जान बची रहेगी। जो बम स्क्वाड्स होते हैं, बम स्क्वाड्स जानते हो, बम बम कहीं ना कहीं बम 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 दस्तावेज जो होते हैं, है ना, बम दस्ता वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बम निरोधी दस्तावेज होती है, वो क्या करते हैं, कहीं बम सोम होते हैं तो डिफ्यूज़ करते हैं। अब एंड्रॉस टू और मिनी एंड्रॉस करके ऐसे रोबोट्स बने हैं जो दुनिया में बम स्क्वाड्स की तरह काम करते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग बात। तो यहाँ पर रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं रहता है दोस्त, ये रोबोट जाता है। माइंड से केस में टेलॉन यूज़ कर लो, बम स्क्वाड से केस में अब एंड्रॉस टू मिनी एंड्रॉस यूज़ कर लो, ये नाम आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। इवन जो लेसन मैं आपको ले रहा हूँ ना, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन पेपर ऑल्सो। और किताब मैंने आपको बोली रखी है, मेरी जो 5th edition की बुक आती है ना साइंस टेक की, आप उसे जरूर पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। दक्ष जो है वो भारत ने बनाया है, और ये मिलिट्री रोबोट है जो भारत ने हाल ही में नहीं, अब तो ये 5-7 साल और पुराना हो गया। ये पता है, ये इलेक्ट्रिकली पावर रोबोट होता है, रिमोटली कंट्रोल होता है, और ये ना सीढ़ियाँ तक चढ़ सकता है। इफ द रोबोट कैन इवन क्लाइम द स्टेयर्स,
ठीक है। और बताऊँ, ऐसे ऐसे रोबोट्स बने हैं जो आपको देख कर ये भी बता सकते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है ना, आपके फेस को रीड करके। क्या कमाल की चीज़ है। जितनी मेटल डिटेक्टर होता है आपको आइडेंटिफाई कर लेता है आप आसनस देख के चल रहे हैं कि नहीं, वैसे ऐसे रोबोट्स हैं बच्चा जो जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि आपकी बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, एनमी है या फ्रेंड है। ठीक है, रोबोटिक सोल्जर्स के बारे में मैंने आपको बोल ही दिया कि ठीक है बैटल फील्ड में अब क्या होगा, जैसे मैट्रिक्स मूवी थी, अब रोबोट्स आके फाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैजुअल्टी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, ह्यूमन कैजुअल्टी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब हम चलते हैं अगले डिसिप्लिन, और अगले डिसिप्लिन में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मेडिसिंस में। मेडिसिंस में क्या हो सकता है, देखो ऐसा है, मेडिसिन के केस से मैं आपको तीन एप्लीकेशन बताता हूँ। एक तो मैं आपको बताता हूँ रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको कह रहा हूँ रोबोटिक सर्जरी डिवाइस। तो क्या हो गया, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, ठीक है, रोबोट्स से सर्जरी करना। दूसरा मैंने आपको दिया नैनो रोबोट्स, नैनो रोबोट जो छोटे छोटे आकार के रोबोट्स होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था नैनो रोबोट्स को हम लोग नैनो बोट्स भी कहते हैं। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ रोबोटिक आर्म्स, तीसरा मैं आपको बताता हूँ रोबोटिक आर्म्स, यानी रोबोट की बनी हुई भुजाएं, हाथ पैर, इस तरह की चीज़ें। तो रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, नैनो रोबोट्स या नैनो बोट्स और रोबोटिक, इन तीनों को पकड़ लो आपको सारा का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। रोबोटिक सर्जरी डिवाइस पता है, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो सर्जरी करते हैं, ठीक है। अब ये आपके, अब देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो जो आज रोबोटिक सर्जरी प्रोवाइड करते हैं। ये आपके नी का लिगामेंट है ना जो इसको चेंज करते हैं, घुटने गॉल बैडर्स को निकालते हैं, आपका जो हिस्टाटेक्टोमी, हिस्टाटेक्टोमी कहते हैं रिमूवल ऑफ ओवरी को, मान लो किसी को ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरियन कैंसर वगैरह में कहीं हम लोग इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टाटेक्टोमी। ओके, यार पता है रोबोटिक ऑपरेशन में फ़ायदा क्या होता है, अगर हम रोबोटिक ऑपरेशन करते हैं तो रोबोटिक ऑपरेशन में स्मॉल इंसीजन होता है, मतलब छोटा मोटा कट लगता है, और जब नॉर्मल ह्यूमन करता है, ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन पूरी बॉडी को कट करके फिर खोलता है, फिर देखता है, फिर ऑपरेशन करता है। रोबोट्स क्या होता है, रोबोट्स ऑलरेडी आपकी बॉडी को स्क्रीन कर रहा होता है, तो छोटे छोटे नीडल्स होते हैं जो बॉडी में जाते हैं और ऑपरेशन करके चले आते हैं। इस केसेस में क्या फ़ायदा होता है पता है, इसमें कन्वेंशनल सर्जरी बड़े लेवल की सर्जरी नहीं होती है, इसमें पेन कम होता है ना, इन्फेक्शंस कम होते हैं, यहाँ पर ब्लड लॉस नहीं होता तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और एक बात बताऊँ, इस तरह की सर्जरी को आप ना रिमोट सर्जरी भी कर सकते हैं। रिमोट सर्जरी का, टेली सर्जरी का मतलब होता है कोई अमेरिका का डॉक्टर, ठीक है, अपने 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 फिंगर से किसी रोबोट के ग्रिपर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ऑपरेट करा सकता है, चला सकता है, और वो अमेरिका में बैठकर इंडिया में ऑपरेशन कर सकता है। सोचो क्या क्या चीज़, और इस तरह से दूर से सर्जरी करना ब्रॉडबैंड कनेक्शन से टेली सर्जरी कहलाती है। नैनो रोबोट्स क्या होते हैं, नैनो रोबोट्स होते हैं, ये छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डालकर बॉडी की स्क्रीनिंग करके बॉडी के अंदर की एबनॉर्मलिटीज बता देते हैं। रोबोटिक आर्म्स क्या होते हैं, कमाल की चीज़ है। अब मान लो कोई सोल्जर है, युद्ध में गया हुआ है, कोई बम बम फटा, हाथ पाथ कोई पार्ट उसका चला गया, तो कहीं ना कहीं रोबोटिक आर्म्स उसकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होंगे दोस्त, उस समय के लिए। या मान लो कोई हमारा जो दोस्त है, जो मान लो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कुछ तरह का है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग हम उसके लिए इस तरह के बॉडी आर्म्स बना सकते हैं जिनको रोबोटिक्स आर्म कहते हैं। ओके, इनके लिए एक टर्म भी आता है, शायद आप जानते हैं, प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स, प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स, इनके लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल एज अ प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स। बहुत ही अच्छा लेसन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। अब ऐसे जितने भी बच्चे अगर यूपीएससी जाते हैं, ठीक है, मेंस वगैरह में भी इसको पूरा बजा के रखेगा, बहुत काम आने वाला है। रिमोट सर्जरी मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आराम से, मतलब डॉक्टर आपके पास होने की जरूरत नहीं, आप ऑपरेशन कर सकते हैं। इवन बायोटेररिस अटैक वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रोबोटिक चीज़ें वहाँ जा सकती हैं, मशीन जा सकते हैं, और वहाँ पर रोबोट तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, कहीं मान लो कोई बैक्टीरिया है, कोई केमिकल अटैक हो रहा है, तो वहाँ पर भी रोबोट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। रोबोटिक लिम्स वगैरह तो मैंने बोल दिया, मान लो कोई सैनिक है या कुछ भी इंजर्ड हो रहा है, ठीक है, बैटल फील्ड वगैरह में, तो उसकी मदद के लिए भी हम लोग रोबोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ेगा। अब यहीं पर जैसे कुछ चीज़ें बता रहे, मान लो कोई डिजास्टर है, किसी डिजास्टर वगैरह के एरिया में, तो डिजास्टर में प्रिपेयरनेस कर सकते हैं। प्रिपेयरनेस का मतलब होता है पहले से प्रिपरेशन कर लें। डिजास्टर में प्रिपेयरनेस क्या होता है, प्रिपेयरनेस का मतलब होता है कि हम पहले से ऐसी तैयारी करके रखें कि डिजास्टर होता है तो उसमें कोई कैजुअलिटी ना हो, काफ़ी हद तक बचा लें। डेनियल डायनेमिक्स करके है ना कंपनी है, उन्होंने होमिंग पिजन करके अनमैन्ड व्हीकल बनाया है, जो क्या करता है, किसी डिजास्टर एरिया में जाता है और बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन पे वहाँ पर डिफरेंट तरह के सपोर्ट देता है। अब मान लो कोई पानी गिराना है ना, वहाँ पर खाना गिराना है, मान लो कहीं पर फ्लड आ गया, कहीं बैक्टीरियल कुछ उस तरह, मान लो मास गिराना है, कहीं बायोलॉजिकल वेपन्स का अटैक हो गया, मान लो बायोटेररिस्ट अटैक हो गया है। बायोटेररिस्ट अटैक उसको बोलते हैं जहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन कहीं पर कोई गिराता है, इंटेंशली गिराता है वहाँ पर, तो उसके लिए आप कोई एंटीडोट्स या एंटीबायोटिक्स देना चाहते हैं तो वो सब आप ऊपर से गिराइए ना मशीन के थ्रू, और पायलट्स को मत ले जाइए, पायलट्स नहीं जाएगा, पायलट्स क्योंकि लिविंग बींग्स होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इमरजेंसी, जैसे जैसे मान लो कहीं आग लगी है तो फायर वाले एरियाज में भी डिजास्टर में आप रोबोट एक मशीन यूज़ कर सकते हैं, मशीन थोड़ी ना जलता है, ठीक है, मशीन थोड़ी ना जलता है, किसी डिजास्टर वाले एरिया में, किसी डिजास्टर इमरजेंसी वायरलेस नेटवर्क सर्विसेज भी आप रोबोट्स के द्वारा बहाल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई मान लो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, मिसाइल अटैक हो गया, जहाँ पर ऐसा कोई मलबा वहाँ है जहाँ पे रेस्क्यू प्रोग्राम चलाना है, खोज और वो बचाव कार्य चलाना है, तो वहाँ पर आपको पता है ह्यूमन के पहुँचने में दिक्कत हो रही है, तो रोबोट्स मशीन को आप भेज सकते हैं, मतलब इन दैट वे गाइस डिजास्टर प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स और रिलीफ में अच्छा खासा रोबोट का यूज़ हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको एक ह्यूमनॉइड रोबोट्स की लिस्ट दी है, और यहाँ मैंने ये समझाया है कि तीन ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, एक तो होंडा कंपनी का एसिमो जो मैंने बोला था, होंडा मोटर कंपनी जापान, सोनी कंपनी के दो हैं SDR-3X और SDR-4X, ये दोनों के दोनों सोनी कंपनी के, और SDR-4X तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है क्या करता है SDR-4X, ये तो आपको आपके क्या करता है आपके फेस वगैरह को आइडेंटिफाई कर लेता, आपके इमोशंस आपके फेशियल फीचर से आइडेंटिफाई कर लेता आपको कि आप सही आदमी हैं गलत आदमी है, तो सर्वेलेंस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में रोबोटिक्स को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस है ज़रा समझना दोस्त। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो रोबोटिक्स के जो हार्डवेयर्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे बनते नहीं हैं, तो उसके लिए हम लोगों को प्रोक्योर करने के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं, और सुनो ये सब बहुत महंगे हैं, हाई कॉस्ट वगैरह है, ठीक है ना, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्किल टैलेंट चाहिए, और भारत में R&D कितनी अच्छी होती आप सब जानते हैं, ठीक है ना, हम 1% से भी कम GDP का, 1% से भी कम, less than 1% ऑफ GDP है ना, GDP का क्या करते हैं अपना R&D में खर्च करते हैं, मतलब भारत पूरे GDP का 1% से भी कम खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, तभी तो 75 साल के बाद हम लोग भिखारियों की तरह रफेल दूसरे कंट्री से मंगाते हैं, लेकिन ये बातें मैं बहुत ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, विद्यार्थियों को बोल देता हूँ क्योंकि विद्यार्थियों को हकीकत पता होनी चाहिए, कोई भी नेता ये नहीं कहता कि हमें अभी तक 75 साल के बाद भी रफेल क्यों खरीद हमें मंगाना पड़ता है दूसरे कंट्री से, अपने कंट्री की सुरक्षा के लिए हम अपना ही रफेल क्यों नहीं बनाने लगे, यही है इंटेंशन जो हमारे लीडर्स में नहीं है, एक दिन देखिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर हम लोग इसी तरीके से काम करते रहना, और हर आदमी अपना क्या कर लेता है, अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेता है, चाहे कोई भी नेता हो, ठीक है, हमें अगर ये काम हमने R&D को नहीं सुधारा ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम चाइना से मिसाइल खरीदेंगे और इस मिसाइल को हम चाइना के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि चाइना आपको सस्ते रेट में मिसाइल दे देगा, और फिर उस दिन आपके ऊपर हा 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 होगा, समझ गए ना, मजाक बन जाएगा, हा हा मतलब मजाक बन जाएगा, तो हमें R&D पर काम करना पड़ेगा दोस्त, ये क्वेश्चन UPSC के मेंस से भी पूछा जाता है, कि आज की नई जनरेशन 2014 के मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आज की जो नई जनरेशन है भैया क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, मेडिकल, इन सब जॉबों के लिए है ना ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, कहाँ R&D में नहीं जाती है, सोचिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सरकार जो है ना पिछले 75 सालों से जो लोग आए हैं किसी का इंटेंशन ये नहीं रहा है इस तरह की चीज़ें की जाए, ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो फंडिंग आती, 4 रिसर्च स्टेशन पे काम करना इसका मतलब पूरा भारत नहीं है, जैसे कहते नहीं है 4 शहरों को देख कर ये बता देना कि भारत यही है, तो आप गलत जानते हैं, गांधी जी, कलाम साहब ये लोग कहा करते थे भारत देखना है तो गांव की तरफ जाइए, ठीक है, 80% से ज़्यादा जनता हमारी गाँव में रहती है, चलिए उन बातों को यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्ट हो जाएंगे हम, ठीक है, आपको बताऊँ जो रोबोट्स होता है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है, एक रोबोट्स में मशीन होता है, मशीन का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक हम रोबोट्स से क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस, रोबोट में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस, रोबोट्स में बैटरी और पावर होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स में सेंसर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस, अब ये बताओ एक रोबोट में 4 तो साइंस हम अभी सोच के बता दिए तुमको, बताते रहे देखो 5 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो कम से कम रोबोट्स में चाहिए, हमें मुझे एक बात बताओ, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हो, आप में से कोई बच्चा जिसने 5 सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की है, आप में से कह रहे हो सर एक सब्जेक्ट में तो करने में 6 साल लग गया, आप 5 करने की बात कर रहे हो, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ दोस्त कि इतना सारा सब्जेक्ट में आप इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसा है कि हमारे यहाँ रोबोट्स में ये दिक्कत है, ठीक है, कि हमारा जो रोबोट्स है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, और हमारे यहाँ का कोई कोर्स रोबोटिक इंजीनियरिंग नहीं चलता, हमारे मैकेनिकल चलता है, कंप्यूटर चलता है, तो ये भी दिक्कत है कि हमारे यहाँ के कोर्सेज जो पुराने ज़माने के हिसाब से डिज़ाइन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हमें कोर्सेज को डिज़ाइन करना होगा, और भैया इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर, गुड फैकल्टी है ना, ये तो देखने को मिलता है ना, और क्यों मिलता है, इसके पीछे रीज़न भी समाज खुद है, समाज में हर गार्जियन अच्छा अध्यापक ढूंढता है, लेकिन कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को एक अध्यापक बनाना पसंद नहीं करता है, सोचिए, तो समाज में आप कैसे सोचते हैं आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला अध्यापक कभी मिलेगा,
तो समाज में जो भी लोग मिल रहे हैं आप उनको कीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मैंने बहुत ध्यान से देखा है, समाज में कोई भी अध्यापक अपने बच्चे को, सॉरी, कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को अध्यापक बनना नहीं चाहता, लेकिन हर गार्जियन को एक अच्छा अध्यापक चाहिए, है कि नहीं? तो वो भी बहुत सोचने की बात, लेकिन उस चीज़ को यहाँ मत लिखेगा, ये थोड़ा इमोशनल टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं इंडियाज का रोबोटिक्स में किस तरह के एडवांसमेंट हुए हैं, किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं। इंडिया का रोबोटिक्स में किस तरह के एडवांसमेंट हुए हैं हम आपको बताते हैं। अभी मैंने आपको NISTP के बारे में बताया था, शायद आपको पता होगा, जहाँ पर मैंने अलग अलग ईयर्स में अलग अलग डेवलपमेंट की बात की थी ना आपको, देखिए ना, यहाँ पर जब हमने बात की थी इस बारे में, हमने बात किया था, शायद आपको याद होगा। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने NISTP, ये क्या है, NISTP की बात की थी ना, तो वो चीज़ें फिर यहाँ पर रिपीट हो रही है। पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा, भारत में एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना है जिसका नाम है एक्यूट। 2019 में क्या हुआ, इंडियन साइंटिस्ट ने प्लान किया हाउस होल्ड रोबोट्स बनाने के लिए, जिसका उपयोग हम घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे और घर के और कामों के लिए खर्च करेंगे। इवन दक्ष जो मैंने आपको बताया था, अभी इंडिया ने खुद बनाया है, वो एक इलेक्ट्रिकली पावर रिमोटली कंट्रोल रोबोट है, जो क्या करेगा, किसी हैजार्डस वाली जगह पर जाकर मिलिट्री वार वगैरह जहां पर होगा वहां लोगों की मदद करेगा। 2035 तक मैंने बोला ही था, DRDO के टारगेट है क्या है कि रोबोटिक सोल्जर्स को बैटल फील्ड में उतारना, युद्ध वाले क्षेत्र में। इंडिया में प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप हुआ है, पता है, रोबोटिक रिसर्च के लिए, जिसका नाम है सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड मैग्नेट्रॉनिक्स कानपुर, ठीक है। ये रोबोटिक रिसर्च एक सेंटर है जो भारत में प्रॉपर तरीके से ढंग से काम कर रहा है। इवन डिफरेंट तरह जो IITs है ना भारत में, बहुत सारे जो IITs खुले हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं रोबोटिक्स पे स्टडी करा रहे हैं बच्चों को। और किसके अंदर करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके अंदर रखा गया है, कंप्यूटर साइंस। कितना किनारे कर दिया ना सीधा रोबोटिक्स को, कंप्यूटर साइंस आपके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप रोबोटिक्स पढ़िए, इस तरीके से इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है इसको। इवन सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स करके एक संस्था है जो कि बेंगलुरु में है, इसने एक रोबोट बनाया जिसका नाम है चतुर रोबोट। ये क्या करता है, ये नजर रखता है घर के अंदर आने वाले लोगों पर, ठीक है ना। और नाम देखो क्या इंटरेस्टिंग रखा है, चतुर रोबोट। अल्स्टर यूनिवर्सिटी और IIT कानपुर, ये दो ज्वाइंट वर्क है। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक इंटेलिजेंट रोबोट्स बना रहे हैं। क्या है इंटेलिजेंट रोबोट, यहाँ पर जो इंटेलिजेंट रोबोट है अल्स्टर यूनिवर्सिटी IIT कानपुर का, जो इंटेलिजेंट रोबोट है ये क्या है, ये ऐसा रोबोट है दोस्त, जो आपको, जो भी कोई डिसेबल हो रखा है, फिजिकली डिसेबल लोग हो, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी तरह की दिक्कत है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये क्या करता है, आपके लिए रोबोटिक्स आर्म्स और इस तरह की चीज़ें बनाता है। पता है भारत में पहला रोबोटिक सर्जरी 2010-11 के आसपास हुई थी, है ना, और जो पहली सर्जरी हुई थी इंडिया में वो एम्स न्यू दिल्ली में हुई थी, उसकी रोबोटिक सर्जरी, जो पहली रोबोटिक, और जो बीमारी थी उस बंदे को, उसका नाम था माइसिनिया ग्रेविस। और इस बीमारी में क्या था, उसका जो मसल वीकनेस हो रहा था और धीरे धीरे वो लाइफ थ्रेटनिंग था, उसकी जान जा सकती थी, तो उसका जो थाइमस ग्लैंड था, थाइमस ग्लैंड उसको काट के निकाला गया किसके द्वारा, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस से, और उसको थाइमेक्टोमी बोला गया, ठीक है, थाइमेक्टोमी बोला गया। इवन बताऊँ, इंडिया बहुत सारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाता है जो अमेरिकन, कोरियन, जापानीज इंडिया से लेते भी हैं। अहमदाबाद की एक कंपनी, इसका नाम है ग्रिड बोर्ड्स, उसने एक रोबोग्रेट लॉन्च किया है। वो क्या करता है, घर की सफाई करता है और घर में आने वाले लोगों पर नज़र भी रखता है। इस तरह से दोस्त आपको मैंने रोबोटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ और आपको नया अपडेट कर देता हूँ, कहीं कोई ऑब्जेक्टिव में भी आप पे क्वेश्चन आ जाए, सोफिया के बारे में। सोफिया को सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं, सोशल पर्पज़ के लिए। इसको हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स, उसने बनाया है। पहली बार जब सोफिया आप लोगों के सामने लाया गया था, तो देखा गया 62 से ज़्यादा तरह का वो चेहरे का एक्सप्रेशन कर रहा है। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ ना, अलग अलग समय पर फेस एक्सप्रेशन बदलता हूँ। आपके पिताजी जब आपसे बात करते हैं, तो दे आर गोइंग टू चेंज एक्सप्रेशन डिफरेंट वे, अलग अलग मूड में, एग्जैक्टली। तो ऐसा लगता था जैसे सोफिया लिटरली एक ह्यूमन है जो हमसे बात कर रहा है। अक्टूबर 17 में सोफिया को क्या किया गया, इसे सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप दे दिया गया, नागरिकता दे दी गई, और पहली बार किसी कंट्री की नागरिकता किसी रोबोट्स को दिया गया। पता है इसका फेस किसका है, जिस एक्ट्रेस का फेस यूज किया गया, उस एक्ट्रेस का नाम है ऑड्रे हेपबर्न। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये शायद ब्रिटिश मॉडल है। इवन मैंने आपको पिक्चर भी लगा, भी आपको दिखा दो। पता है इसमें जो सोफिया होती है, इसमें ना कैमरा लगा होता है उसकी आईज में, और वो कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू जुड़ा होता है। तो वो क्या करता है, आईज की इमेजेस होती है कंप्यूटर पे जाती है, और कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जुड़ा होता है। यानी जब भी सोफिया आपके सामने आती है, तो सोफिया को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सोफिया का जो फेस है, उसका आई है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सारी की सारी डिजिटल कंप्यूटर एल्गोरिथम से जुड़ी होती हैं, है ना, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम। अरे भाई, जब आप सोफिया से बात करते हैं, तो सोफिया को कहाँ से आवाज़ जाती है, कहाँ से आती है, कहाँ से सुनते हैं, उनमें गूगल क्रोम का यूज़ किया जाता है। आप लोग कंप्यूटर में गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, उसको उससे जोड़ दिया था उसकी बॉडी से, और उसी के द्वारा आपकी बातों को सुनती है, बोलती है, और आपके साथ कन्वर्सेशन करती है।
ठीक है। और एक बात बताऊँ, सोफिया जो होता है वो ह्यूमन गेस्चर्स को इमिटेट करती है ना, और फेशियल एक्सप्रेशन भी आपके साथ साथ देती है आपके क्वेश्चन आंसर के टाइम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताऊँ, हैंसन रोबोटिक्स ने जो सोफिया को बनाया, हैंसन रोबोटिक्स का क्या कहना है, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी का कहना है कि भैया देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनकी नर्सिंग के लिए एक अच्छा स्कोप है, सोफिया को यूज़ किया जा सकता है। और सोफिया जो बनी है ना, उसमें सोफिया के साथ साथ सात और रोबोट हैं जो सोफिया के साथ बनाए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही सोफिया की तरह। सब में ऑड्रे हेपबर्न का ही फेस लगाया गया है, डमी टाइप का। इसीलिए बोला गया सेवन रोबोट ह्यूमनाइड सिबलिंग्स बने, उसके भाई बहन बने, और सबके नाम किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे हैं, जैसे एलाइस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ह्यूबो, बीना 48, हैंड जूस, प्रोफेसर आइंस्टीन, फिलिप के डिक, एंड्रॉइड, जेनो, जो ये सारे के सारे नाम, जो मैकग्रा हिल की रवि ग्रेडी की फिफ्थ एडिशन बुक आती है, ये सब दिया हुआ है दोस्त। आप उसे पढ़िएगा जरूर, भूलिएगा नहीं, बहुत ही कंसाइज टू द पॉइंट दिया हुआ है। सेम बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। सोफिया जो है, आपको बताऊं, ये हेल्थ केयर के लिए यूज़ होता है, कस्टमर सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, थेरेपी के लिए यूज़ होता है, एजुकेशन के लिए, ये सारे के सारे सेक्टर में हम इसको अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। इधर मैंने एक सोफिया का आपको फोटो दिखाया है, और इधर मैंने ऑड्रे हेपबर्न की फ्लोस दिखाई है। ये सोफिया है और ये ऑड्रे हेपबर्न है, और दिखाने की कोशिश की है, देखो ये फेस यहाँ पर यूज़ हुआ। आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मैं क्या करूँ, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आपको लिए यहाँ पर दिखाने के लिए। तो ये है दोस्त सोफिया, और यह है ऑड्रे हेपबर्न, यह है दोस्त ऑड्रे हेपबर्न, वही ब्रिटिश मॉडल या एक्ट्रेस जो भी कह लो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, और अंत में चलने ले आपको बता दूं, इस पीडीएफ को जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ले लें, अपने समय को बचाएं, t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर इस टेलीग्राम पे आप जुड़े रहें अपने सारे अपडेट्स के लिए, unacademy.com/ravi_p2010 पर। यहाँ पर आपको मेरे प्लस की क्लासेस, और प्लस के साथ आपको मेरी स्पेशल की क्लासेस फ्री मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं करा रहा हूँ, जो आपके UPSC सिविल सर्विसेज में, स्टेट बेसिस में हर जगह आते हैं। रवि UPSC मेरा कोड है, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज करने पर यू विल गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। यस, और ये मैं आप सबको बोलूंगा, अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही लेना, इसलिए लेना दोस्त, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंटोरशिप मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस हो जाते हैं, मेंटोर के साथ जुड़कर आपके डिस्कशंस होते हैं, इवन आपकी प्रिपरेशंस में पूरी प्लानिंग में मदद की जाती है। ये कह लो एक ट्यूटर होता है जो आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ता है, और आपके सारे डाउट्स आपके 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 जरूरत पर क्लियर करता है। यहाँ पर आपको ओपन हाउस भी होता है, जहाँ आप एजुकेटर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, हम जैसों के लोगों के साथ भी जुड़कर आप डिस्कशंस कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शंस हैं, वो आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो आपको दिए जा रहे हैं। आइकॉनिक में आपको बोला ना, मेंटरशिप मिलती है, जो प्लस पे नहीं मिलती। आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, तो आप आइकॉनिक ही लेना। और जब भी आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हो, तो जो भी फीस होती है उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। अनअकैडमी आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ पर ही नहीं, ऑप्शनल कोर्सेज पर भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देता है, रवि UPSC कोड को यूज़ करने में। 0% EMI है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है। अगर फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप 0% EMI का फ़ायदा भी अनअकैडमी से उठा सकते हैं। आपको बताऊं तो जो अनअकैडमी है, उसमें हमारे जो लर्नर्स, उनका बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पांस रहा है। क्लास एजुकेटर्स में हमारा रैंक 1 है, बेस्ट इन क्लास में। आप ये रैंकिंग देख सकते हैं, जहाँ पर आपको खुद समझ, इवन जो टेस्ट सीरीज़ हम आप 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व किया, इतना कभी किसी कोचिंग शूट में टेस्ट सीरीज़ में बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं पूरे इंडिया में। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंस हैं, जो आपको अनअकैडमी पर देखने को मिलेगा अन्य लोगों से। यहाँ पर प्रिंटेड कम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपको दिए जाते हैं, MCQ बेस्ड बहुत सारे क्रैश कोर्स होते हैं, 1:1 आपके साथ लाइव मेंटरशिप होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके पार्ट में आती हैं। अनअकैडमी पर एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाता है, अनअकैडमी पर एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, ओके। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या होता है, 1:1 यानी एक मेंटोर के साथ आपके डाउट्स के लिए जोड़ा जाता है, और इस सेशन को आप बुक जरूर कर लीजिए। किसी भी लेवल के आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके डिस्कशन किया जाता है, कोशिश किया जाता है आपके लैंग्वेजेस में भी आपके साथ डिस्कशन किया जाए। UPSC CSE के जो बैचेस हैं, वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेस जो है, वो 2022 के MCQs हैं जो बाइलिंगुअल हैं, और जो 2023 के पूरे जो UPSC कोर्सेज हैं बाइलिंगुअल, ये दोनों के दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। सो 2022 बाइलिंगुअल MCQ कोर्सेज और 2023 का ये पूरा का पूरा बैच है, इसे ज्वाइन करना ना भूलेगा। अनअकैडमी पर मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस अवेलेबल हैं। साइंस टेक का एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, ओके, और एनवायरमेंट का जो नेक्स्ट सेशन है ना, फर्स्ट सेशन जो है वो चल रहा है फॉर 2022 आपके एग्जाम्स के लिए। अनअकैडमी पर आप मेरे प्लस पर आइकॉनिक कोर्सेज और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं साइंस टेक एनवायरमेंट दौरे के लिए। मेरा कोड जो है वो रवि UPSC है। तो चलिए दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, PDF आप टेलीग्राम से ले लें। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।
जय हिंद।